छत्रपति संभाजी महाराज जी, उनसे बड़े यूथ आइकॉन इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी इस फिल्म से, उनकी इस गाथा से, उनके इस पराक्रम से युवाओं को एक प्रेरणा मिले, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन हो या आने वाली जनरेशन हो, वो हिस्ट्री से दूर जा रही है। उसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं स्कूल में जो हमारा इतिहास जो पढ़ाना चाहिए, शायद उतने डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहे हम लोग। हाय गाइस, स्वीप व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं जिनके साथ हूँ ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, इनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जज्बात बाहर निकल आ रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आपने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है और लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जय शिवराय, नमस्कार तुम्हा सगळ्यांना। तुम्ही तुमच्या माध्यमातून आमचा हा सिनेमा जगभर पोचवत आहात, त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचे आधी खूप खूप आभार। छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या सगळ्यांचे आराध्य दैवत आहेत। त्यांची भूमिका साकारणं म्हणजे या जन्मी आलेल्याचं सार्थक झालं आहे अशी माझी भावना आहे आणि धन्य आहे आणि मी खूप खूप आभारी आहे। महाराजांनी आशीर्वाद दिला आणि दीपा लांजेकर जे आमचे दिग्दर्शक आहेत, त्यांनी मला ही जबाबदारी सोपवली, त्याबद्दल त्यांचे आणि माझे निर्माते त्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार। मला असं वाटतं आम्ही मागील 1-1.5 वर्ष जी काही मेहनत केली आहे तिचं कुठेतरी फळ आज मिळतं आहे। तुम्हा सगळ्यांचं जे प्रेम आम्हाला मिळतं आहे त्यातनं त्या मेहनतीला मिळणारी एक शाबासकी आम्हाला मिळाली असं आम्हाला वाटतं। और यू नो, आपने जिस हिसाब से पोर्ट्रेल किया है संभाजी महाराज का, ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वही है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस फिल्म ने आज की जो यूथ है उसको भी इंस्पायर करने का काम किया है। आज मैं मॉर्निंग में पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए जा रहा था, स्कूल के जो किड्स हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोमांटिक फिल्में, एक्शन फिल्में तो हमें अक्सर देखते हैं, लेकिन हमारे रियल हीरोज की फिल्म भी देखनी चाहिए। क्या कहेंगे इस तरह की ट्रांजिशन को लेकर जो यूथ में आ रहा है? एक्चुअली मैं अब मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि हिंदी ऑडियंस को भी समझ में आए। छत्रपति संभाजी महाराज जी, उनसे बड़े यूथ आइकॉन इस दुनिया में कोई नहीं है। 23 साल की उम्र में जब वो छत्रपति बने, तब से लेके 32 साल की उम्र में जब उनका बलिदान हुआ, उन्होंने 120 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। विद्वान, उन्होंने काफ़ी सारे काव्य लिखे हैं और इतनी सारी लड़ाइयाँ ज़िंदगी में कभी नहीं हारने वाला ऐसे हमारे राजे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनको यहाँ उनकी इस फिल्म से, उनकी इस गाथा से, उनके इस पराक्रम से युवाओं को एक प्रेरणा मिले, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है या जो हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से दूर होती जा रही है, उन्हें हिस्ट्री के पास लाना, हमारे पूर्वजों ने जो पराक्रम किया है उससे उन लोगों को वाकिफ़ कराना, यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन्हें हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता हो। और जो आजकल जो जैसे हम कहते हैं कि लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, सहनशीलता जो है वो कम हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है जब इनकी ज़िंदगी अगर हमारे आँखों के सामने होगी, उनकी हिस्ट्री हमारे सामने होगी, तब हमें पता चलता है कि स्वराज एक दिन में नहीं बनता है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी का एक खुद का स्वराज बनाना है, खुद की ज़िंदगी में कुछ बनाना है, तो उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, उसके लिए वक्त देना उतना ही ज़रूरी है। तो यही सब हमारी कोशिश है और हमें आप सबकी दुआ और आशीर्वाद साथ में होगा तो हम लोग ज़रूर इस फिल्म में हमें कामयाबी मिलेगी जी। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, आपने हिस्ट्री की बात की है, ऑफकोर्स इस फिल्म के ज़रिए बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं उनको पता चलेगा छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, उनकी शख्सियत क्या है, उनका स्ट्रगल क्या है। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि हम खुद, हम जो मिलेनियल्स हैं स्पेशली,
स्कूल में जब जाया करते थे तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो चैप्टर्स होते थे बहुत ही छोटे मात्रा में होते थे, उसको क्या कहेंगे, क्या आने वाले वक्त में इसमें भी चेंजेस आने चाहिए? जैसे मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन हो या आने वाली जनरेशन हो, वो हिस्ट्री से दूर जा रही है। उसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं स्कूल में जो हमारा इतिहास जो पढ़ाना चाहिए शायद उतने डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहे हम लोग, बट इसी वजह से बचपन में स्कूल में सिखाई गई हिस्ट्री, और अब जब मैंने खुद इस सिनेमा के लिए जो मैंने डिटेल में हिस्ट्री पढ़ी है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मुझे जितने वो समझ में आए शायद बचपन में ना समझ में आए, तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि बचपन में उतनी हिस्ट्री सिखाई नहीं जाती, पर इसीलिए ऐसी फिल्मों का बनना ज़रूरी है ताकि लोग इन फिल्मों से प्रेरित होके वापस किताबों की तरफ जाए, वापस हमारे पूर्वजों का इतिहास जो है वो गहराई में पढ़े। आप जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं ना, मैं आपसे पर्सनली इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप एक कलाकार हैं ऑफकोर्स, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात छत्रपति संभाजी महाराज खुद आ रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं इतिहास के बारे में समझिए। दोस्तों, एक कहावत है कि जो लोग इतिहास को नहीं समझते ना, वो लोग खुद इतिहास बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा, छत्रपति संभाजी महाराज का जो इतिहास है, जो उनका बलिदान है, जिनके सेक्रीफाइस की वजह से आज हमारा जो वजूद है, अस्तित्व है, कितना इम्पोर्टेंस, कितना मायने रखता है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसी पर ये फिल्म आधारित शिवराज छावा ये फिल्म रिलीज हुई है, और दोस्तों इसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, मेरे ख्याल से मल्टीवर्स यूनिवर्स होने वाला है इसका। होपफुली अभी फिलहाल तो दो और पार्ट्स अनाउंस किए हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जैसे आपने जो बलिदान के बारे में कहा, तो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास इतना बड़ा है कि वो एक फिल्म में कंप्लीट करना नामुमकिन है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास में 3 फिल्में बने। अगेन डिपेंड करता है कि लोग कितना देखना चाहते हैं, उनकी क्या रिएक्शंस है, उस हिसाब से शायद और भी पार्ट्स बने। और मैं तो दुआ करता हूँ कि और भी पार्ट्स बने, ताकि लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज का ये जो पराक्रम, जो इतिहास है, वो डिटेल में समझे। सुन रहे ना आप, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर और भी ज़्यादा फिल्में चाहिए तो जल्द से जल्द जाइए आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में और इस बड़ी फिल्म को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मुझे तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हैं। सो इस वक्त है मेरे साथ भूषण पाटिल, ये वो कलाकार है जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को पोर्ट्रे किया है बड़े पर्दे पर। इनका ओपिनियन, इनका एक्सपीरियंस और इनकी बातें आपको कितनी अच्छी लगी दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, शुक्रिया। जय शिवराय, जय शंभू।